हेलो दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग में आपका स्वागत है। ये वीडियो में हम दिखाने वाले हैं घोड़िया को कैसे ऑटोमेटिक करें, मतलब कि हम दिखाने वाले एक ऐसा तरीका कि जिससे आपका क्रेडल चले ऑटोमेटिक, कि जिससे बच्चा करेगा आराम, घोड़िया करेगा मम्मी का काम और मम्मी करेगा घर का काम। तो बने रहिए हमारे साथ है वीडियो में। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम बताने वाला है स्टेप बाय स्टेप एक ऐसा तरीका कि जिससे आपका क्रेडल चलेगा ऑटोमेटिक। तो चलो बॉक्स में से निकालते हैं हम ऐसी एक चीज की जिससे घोड़िया हो जाए ऑटोमेटिक। तो चलो देखते हैं ऑटोमेटिक बेबी क्रेडल किट। इसके अंदर दिया है तीन ऐसी चीज की जिससे आपका हो जाएगा सेटअप और क्रेडल हो जाएगा ऑटोमेटिक। दोस्तों अभी जो हम ओपन कर रहे हैं वो है हुक, जिसका यूज हम बाद में दिखाने वाले है, और जो ये दूसरा ओपन हो रहा है वो भी हुक ही है, लेकिन वो मेन हुक है जिसके अंदर मोटर लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक मिक्सर सिस्टम, जिसके अंदर मोटर है वो मोटर डीसी पावर से चलता है। और अभी जो ये तीसरा वाला ओपन हो रहा है वो है स्पीड कंट्रोलर, जो स्पीड को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करता है। और जो साथ में दिया हुआ केबल है वो बड़ा है, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। तो चलो अभी हम सेटअप करते हैं तीनों चीजों का। तो सबसे पहले हमको मेन जो मोटर वाला हुक है वो हुक में से पीवीसी नॉब और एक एमएस वॉशर और एक रबर वॉशर निकालना है। ध्यान रहे कि एमएस वॉशर और रबर वॉशर एक ही निकाले और जो बचा हुआ दो है वो उसमें ही रहने दे। और बाद में जो ये ऊपर का जो टॉप वाला हुक है वो हुक को आराम से निकालना है और उसके बाद वो हुक को अच्छे से रख देना है। और हुक को निकालने के बाद जो स्विंग मशीन है, स्विंग मशीन का ऊपर का जो पीवीसी कॉम है उसको भी निकालना है। और ये स्विंग मशीन है वो पूरा मैग्नेटिक फ्री है, मतलब कि इसके अंदर कोई मैग्नेट यूज नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैग्नेट का छोटे बच्चे पे बहुत बढ़िया इम्पैक्ट होता है जो इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने मोटर यूज किया है और इसका इंस्टॉलेशन करना बहुत इजी है। और कोई भी इस तरह का घोड़िया में इसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। और सरफेस की बात करें तो इसका सरफेस एकदम स्मूथ है, उसको टच करने में कोई परेशानी नहीं है। और नॉइस की बात करें तो एकदम नॉइस फ्री है, साइलेंट मोड में चलता है ये, क्योंकि इसके अंदर जो एज फिनिशिंग दिया है वो एकदम बढ़िया है। बस इसी तरह से इसको अच्छे से लेवल करके अच्छे से सेट करना है। और बाद में हम ये दूसरी साइड वाला हुक है उसको भी हम निकाल लेंगे। ये जो हुक है वो हुक को हमको निकाल के यहाँ पे हमको जो साथ में आया हुआ है दूसरा हुक वो लगाना है। ये जो दूसरा हुक है वो दूसरा हुक को हमको बाजू के हुक के हिसाब से लेवल करके अच्छे से हमको इसको लगाना है। और ध्यान रहे कि दोनों हुक एकदम टाइट होना चाहिए, अच्छे से हमको टाइट करके बाद में हमको यूज करने के लिए रेडी करना है। ये दोनों हुक मिला के इसका पूरा कैपेसिटी है 15 किलो का। इसका यूज करके हम 15 किलो तक इजीली वेट कैरी कर सकते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन में भी इजी रहेगा, असेंबलिंग करने में बहुत इजी रहेगा। और इसकी रनिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो 24 आवर्स तक चल सकता है। इसके अंदर बैटरी नहीं आता है, डायरेक्ट एसी टू डीसी ट्रांसफर होता है पावर। और जो मैंने यहाँ पे मॉडल दिखाए है वो सभी मॉडल में ये इजीली यूज हो सकता है, यूज करना बहुत इजी है। अगर आपको इसके बारे में या अगर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो हमको कमेंट में जरूर बताना। जो भी बेस्ट कमेंट डालेगा उसको बेस्ट गिफ्ट मिलने वाला है। ये जो पिन दिया हुआ है यहाँ से पावर का आउटपुट आता है, पावर सप्लाई यहाँ पे डीसी में है, इसका केबल लंबा है और ये है स्पीड कंट्रोलर और डायरेक्ट यहाँ से हमको एसी पावर देना है। ये जो मेन स्विच है उसको अभी हम चालू कर रहे हैं। चालू होने के बाद यहाँ पे रेड लाइट जलेगी, ये है हमारा स्पीड कंट्रोलर। जब हम स्टार्ट करें तो एक बात का जरूर ध्यान रखना, 3 नंबर से ज्यादा स्पीड मत देना, मैक्सिमम 3 नंबर तक स्पीड देना। और दूसरी बात, प्रोडक्ट नीड सम लोड, विदाउट लोड प्रोडक्ट कांट बी वर्क प्रॉपरली, सो मिनिमम 2 kg का लोड इसके अंदर हमको डालना है और बाद में हमको स्टार्ट करना है और धीरे धीरे हमको स्पीड को बढ़ाना है। और इफ यू फेस द एनी इश्यू सो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट ऑन द कस्टमर केयर, विदाउट गाइडलाइंस यू कांट डू एनी एक्शन। तो अभी आप देख रहे हो ये हमारा क्रेडल बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, देखिए इजीली ये वर्क कर रहा है। अगर आपको ये बाय करना है तो नीचे गए व्हाट्सएप नंबर पे इसका स्क्रीनशॉट डालिए, आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा। और ये मेड इन इंडिया है और इसके अंदर वारंटी भी आता है, सो यू आर डोंट वरी। अगर आपने हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।